सॉरी बेटा, पता नहीं मेरे मोशन आ गया कि मेरे वीडियो कट हो जा रहे। पकड़ के रखो उसको, पकड़ के ये बच्चा, उसको पकड़ के रखा है। और ये बच्चे की अम्मा खा रही है। कालू नहीं खाएगा तू, कालू तेको दी। खा ले बेटा, जल्दी खा ले, क्योंकि ना मैं कल तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैं कोई बच्चों को खाना नहीं खिलाया। और बेचारी ये आती नहीं ऊपर, क्योंकि इसको सब कुत्ते हमारे एरिए के मार के भगा देते हैं बेटा। या मेरे अल्लाह, बेटा आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, मेरा एक एनजीओ हो जाए। ये मिट्टी उट्टी गई भाड़ में, सब गए भाड़ में, बस मेरा एक एनजीओ हो जाए, जिनके मेरे एनजीओ में ये बच्चों का फ्री में इलाज हो, फ्री में जो भी बच्चे बीमार रहते हैं उनका करूँ। देखो बेटा, मेरी इतनी औकात नहीं किसी को खाना खिलाना। हाँ, मैं उसको खिलाती हूँ जो बच्चे की माँ है, जो बीमार है। और बहुत है ऐसे बच्चे कि मैं जो नहीं डाल पाती, क्योंकि ये कुत्तों को खाना देना बोले तो जान का जोखिम। ऐसा लड़ते कभी कभी ना, बहुत स्क्रैच भी मार देते। देखो आप लोग को दिख रहेगा, बहुत ऐसे खाना पड़ता है मार भी। ये सब कुत्तों को छुड़ाने की वजह से मार भी खाना पड़ता है बेटा, पर मैं नहीं बताती। नहीं अच्छा, नहीं मेरा बच्चा बहुत हेल्प करता है बेटा। सलाम करो, सबको नमस्ते भी करो। नमस्ते। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अरमान है। लकड़ी अभी कोई नहीं, लकड़ी रखो संभाल के। देखिए बेटा, मतलब मेरा क्रंच वीडियो बनाने के अलावा ना मेरे को और भी बहुत काम है बेटा। और सबसे ज़्यादा मैं मतलब ज़रूरी मेरा ये काम समझती हूँ कि मेरे बच्चे लोग एक दिन खाना खा ले तो पेट भर के आराम से सो जाए। क्रंच वीडियो गया भाड़ में, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें, पर किसी के जिद से बना रही हूँ। आप लोगों को तो पता है, आप लोग मेरी पहली भी वीडियो देख लेंगे, 5-6 साल से मैं खाती हूँ, पर मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर जो एक है ना बुढ़ी जो मेरे को उंगली कर रही है ना, हाँ उसके जिद पे मैं बना रही हूँ। बाकी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रंच वीडियो बनाऊँ, अपना चैनल खोलूँ। पर नहीं, मेरे को कोई उंगली करेंगे ना बेटा, मैं नहीं छोड़ती। और हाँ, हमारे मुसलमान में बोलते हैं माफ़ करना, अगर सामने वाला गुनहगार भी है उसको माफ़ करना अच्छी बात है। पर माफ़ी है ना किसको दिया जाता है मालूम, जो एक बार गलती करे, दो बार गलती करे, जो बार बार गलती करे उसकी माफ़ी नहीं होती बेटा, समझे आप लोग। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते अल्लाह वली की, नमाजी की। मेरी छोटी, मेरा तो ज़िंदगी ना इन लोग में कट रही, इसमें बिजी थी, पर क्या करूँ, एक चुड़ैल आके मेरा पूरा, बोलते ना शेड्यूल, मेरे को इंग्लिश नहीं आता, शेड्यूल मेरा पूरा ख़राब कर दी।